AI पॉडकास्ट पार्ट वन वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई और 900 से भी ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं पार्ट टू के लिए, सो हियर इट इज। और जिन लोगों ने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो देख सकते हैं। अब पार्ट वन में हमने बेसिकली एक ऑडियो पॉडकास्ट ही बनाया था, देर वॉज नो वीडियो, लेकिन पार्ट टू यानी कि इस वीडियो में हम जाएंगे एक लेवल और ऊपर और मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ एक फुल फ्लेज AI पॉडकास्ट वीडियो के फॉर्मेट में। जी हाँ, और ये सब कुछ होने वाला है 100% फ्री AI टूल्स को यूज करके ही। और जितना बेहतरीन आपको इसका आउटपुट मिलने वाला है ना, आप भी शॉक्ड हो जाओगे इसका एंड रिजल्ट देखकर। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर एक भी स्टेप मिस किया या वीडियो कहीं पर भी स्किप की तो फिर आप ये कंप्लीट पॉडकास्ट वीडियो कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टेप में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले स्टेप वन, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, आप पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज यूज कर सकते हो, जैसे कि आर्टिकल लिंक्स, AI स्क्रिप्ट या इवन PDF। आप अगर चाहो तो कोई भी YouTube वीडियो का लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और उससे भी ये समराइज करके आपके लिए कंप्लीट पॉडकास्ट क्रिएट करके दे देगा। लेकिन अब मैं आपको एक और कमाल की ट्रिक बता रहा हूँ जिसे आप यूज कर सकते हैं। आप YouTube में किसी भी वीडियो को ओपन करके उससे पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट ले सकते हो टेक्स्ट फॉर्मेट में। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर बीस्ट की जो रोगन वाली पॉडकास्ट वीडियो है, आपको इस वीडियो के लिंक में जाकर YouTube के जस्ट बाद टाइप कर देना है TTT, तीन बार T टाइप कर देना है एज यू कैन सी, और इसके बाद जस्ट एंटर, और यहाँ पर एक नई साइट ओपन हो जाएगी वीडियो टू टेक्स्ट कन्वर्टर की। यहाँ पर आपको सिंपली वीडियो की लैंग्वेज चूज करनी है, जिस भी लैंग्वेज में ये वीडियो है ओरिजिनल, एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट। बस इसके बाद विद इन 10 seconds ये पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट आपके पास आ जाएगी इन द टेक्स्ट फॉर्मेट एज यू कैन सी। ये 100% फ्री में ही आप यूज कर सकते हो इस साइट को। ये पॉपअप आते रहेगा बीच बीच में तो इसको इग्नोर कर देना। इसके बाद आप चाहो तो ये पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ से डॉक, PDF, वर्ड किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, या आप चाहो तो सिंपली यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी भी कर सकते हो एज यू कैन सी। इसके बाद वापिस से नोटबुक LM में आकर न्यू सोर्स एड करके यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना और पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना एंड इट्स डन। तो इस तरह से भी ये इसे एनालाइज कर देगा और आपके लिए पूरी पॉडकास्ट की ऑडियो क्रिएट कर देगा। तो स्क्रिप्ट क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी पसंद है आप वो वाला यूज कर सकते हैं। अब देखो, मेरे पास तो ऑलरेडी ये पॉडकास्ट रेडी है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी जनरेट करके दिखाया था। Hey there. So we're diving into renewable energy today. तो मैं ये सेम ही पॉडकास्ट यूज करने वाला हूँ आगे की वीडियो के लिए। मैंने इसे यहाँ से डाउनलोड कर लिया है ऑडियो फाइल को। तो अब हम चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये स्टेप इस पूरी वीडियो की जान है, मतलब पूरा क्रक्स यहीं पर बसा हुआ है। सो ध्यान से समझ लेना। अब देखो, जो ऑडियो फाइल पॉडकास्ट वाली हमने नोटबुक LM से डाउनलोड की है उसे हम यहाँ कैपकट पर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें इस ऑडियो फाइल को एडजस्ट करना पड़ेगा जिसे कि हम आगे इससे वीडियो क्रिएट कर पाए। तो ऑडियो फाइल को ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आएंगे सबसे पहले। अगर इसका वॉल्यूम आपको कम ज्यादा करना हो तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब हमें इस ऑडियो फाइल में से मेल और फीमेल पार्ट को बिल्कुल अलग अलग कर देना है, दोनों का ऑडियो पार्ट हमें डिवाइड कर देना है। तो देखो, मैं इसे प्ले करता हूँ अभी। Hey there. So we're diving into renewable energy today. And it's a big one, right? Can it really replace like all fossil fuels? We're looking at this report from Met Group and an article from Finshots, you know, to see if it's really possible. Yeah. अब ये फीमेल पार्ट यहीं तक है तो मैं यहाँ पर एक कट या स्प्लिट कर दूंगा और इसके बाद मेल वाला पार्ट आ जाएगा। Yeah, those are good sources. I mean, Met Group, they're all about renewables, so naturally they're optimistic. Their report basically says, yeah, ditch those fossil fuels, we can run the world on renewables by 2050. Mm. But then you've got Finshots, and they're, you know, they're a bit more cautious, right? Like they're saying, hold on, how reliable are these renewables really? And they make a good point about oil. We still need it for a lot of industries. तो देखो, ये मेल वाला पार्ट अभी यहाँ तक ही है तो इसे अगेन मैं स्प्लिट करके इस पार्ट को मैं नीचे रख देता हूँ दूसरी लेयर में, ताकि हमें पहचानना इजी होगा। ऊपर वाली लेयर फीमेल वाली है और नीचे वाली लेयर मेल वाली है। सो लेट अस कीप इट दिस वे। अब अगेन, जो फीमेल पार्ट जहाँ तक रहेगा उसे वहां तक स्प्लिट कर देंगे और ऊपर ही रहने देंगे। इसके बाद जो मेल पार्ट आएगा उसे स्प्लिट करके नीचे वाली लेयर में रख देंगे। ये आपको पूरी वीडियो के लिए कर लेना है ध्यान से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ध्यान से समझ लेना है कि मैं इनकी टाइमिंग के साथ किसी भी टाइप की छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। जो पार्ट जहाँ पर था वो वहीं पर ही है, बस पोजीशन मैंने उसकी नीचे कर दी है, लेयर चेंज कर दी है, दूसरे लेयर में मेल को ट्रांसफर कर दिया है। चलो, तो अब पूरी ऑडियो को मैंने स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट में और यहाँ पर अलग कर दिया है। अब देखो, ये फीमेल पार्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है।
to see if it's really possible. Yeah, those are good sources. I mean, और इसके immediately बाद ये mail part आ जाता है. और यही same चीज पूरी वीडियो में है. Timing सब की as it is ही है. No change at all. तो टाइमिंग के साथ अगेन किसी भी टाइप की छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो पूरी वीडियो आगे खराब हो जाएगी. चलो तो अब ये भी कंप्लीट हो चुका है. अब इसके बाद आपको ऊपर वाला पार्ट यानी कि फीमेल वाली लेयर, इसका जितना भी पार्ट है वो सारी क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेना है एक साथ, सारी की सारी फीमेल वाली क्लिप्स. और फिर इन क्लिप्स को आपको एक कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर देना है एज यू कैन सी. और ये जो बीच में आपको खाली स्पेस यहाँ पर दिख रहा है इसको कुछ मत करना, लेट इट बी एज इट इज. नाउ सिमिलरली आपको ये काम मेल लेयर में भी करना है और मेल वाली जितनी भी ऑडियो क्लिप्स है उनको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और उसे भी आपको एक कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर लेना है एज यू कैन सी एंड लेट इट बी एज इट इज, जैसा कि आप देख सकते हैं. चलो तो अब इसके बाद ये नीचे वाली जो मेल की कंपाउंड क्लिप है इसको उठाकर हम अभी आगे रख देते हैं ताकि आगे की प्रोसेस समझने में आसानी हो अभी के लिए, बाद में इसे हम वापस सेट कर देंगे. तो अब ये जो फीमेल वाली कंपाउंड क्लिप है इसको आपको हर 30-30 सेकेंड्स या उससे भी कम 25 सेकेंड 27 सेकेंड या लेस देन 30 सेकेंड्स पर स्प्लिट करते जाना है. एक एक क्लिप की ड्यूरेशन 30 सेकेंड या उससे कम ही होनी चाहिए. और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएंगे. तो आप अपने हिसाब से इसे हर 30 सेकेंड या उससे थोड़े कम में स्प्लिट करते जाना. अगेन बाकी कुछ भी छेड़छाड़ मत करना किसी भी चीज के साथ. अगर ब्लैंक पॉज वाला पार्ट भी आ रहा है तो उसे एज इट इज रहने देना. अगर मान लो कोई ऑडियो टू पार्ट में कट हो रही है बीच से तो उसको 30 सेकेंड से स्प्लिट करने के बजाय आप 25 या 27 पर ही स्प्लिट कर सकते हो ताकि ऑडियो अलग अलग ना हो पाए दो पार्ट्स में. तो अब मैंने यहाँ पर ये फीमेल कंपाउंड क्लिप को पूरी तरह 30-30 सेकेंड्स पर स्प्लिट कर दिया है. चलो अब इसके बाद आपको ये सारी क्लिप्स को एक एक करके डाउनलोड करते जाना है. तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली क्लिप पर क्लिक करके ये रेंज वाले ऑप्शन में सेलेक्ट बाय क्लिप वाला ऑप्शन चूज करो और फिर इसे एक्सपोर्ट कर लो एज एन ऑडियो फाइल. बस हर क्लिप को एक्सपोर्ट करते वक्त नीचे इसकी ड्यूरेशन चेक करते रहना कि कोई भी 30 सेकेंड से ज्यादा तो नहीं हो रही है. और साथ ही साथ हर क्लिप को नाम भी दे देना, जैसे मैंने फीमेल 1, फीमेल 2, फीमेल 3 ऐसा नाम दे दिया है जिससे आगे हमें यूज करने में और समझने में आसानी हो. बस अब इसी तरह सारी क्लिप्स को 1 by 1 आपको इसी तरीके से डाउनलोड कर लेना है. सबसे पहले फीमेल वाली सारी क्लिप्स को डाउनलोड कर लेना और इसके बाद आपको ये सेम काम मेल वाली क्लिप्स के साथ भी करना है. हर 30-30 सेकेंड्स पर स्प्लिट करके सिंगल सिंगल क्लिप को आपको डाउनलोड कर लेना है और रीनेम कर देना है. चलो तो अब हमारा 70% काम खत्म हो गया है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ जो है स्टेप 3, वीडियो क्रिएशन. अब वीडियो क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होंगे दो कैरेक्टर्स, एक फीमेल होस्ट और एक मेल गेस्ट. इसके लिए हम सबसे पहले इनकी इमेजेस जनरेट करेंगे और इमेजेस जनरेट करने के लिए हमें चाहिए होगा डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट. तो वो आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा. ये वाला प्रॉम्प्ट डाल देना चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी आपको दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए एक कंप्लीट पॉडकास्ट सेटअप में डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा एज यू कैन सी. इसके बाद इमेजेस जनरेट करने के लिए आप किसी भी AI इमेज टूल का यूज कर सकते हैं. मैंने लियोनार्डो से इमेजेस क्रिएट किए. यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालकर प्रीसेट में फीनिक्स वाला स्टाइल चूज कर लेना और स्टाइल में डायनेमिक वाला ऑप्शन रखना. और एक इम्पॉर्टेंट बात, इमेज का एस्पेक्ट रेशियो आपको 1:1 या 9:16 ही रखना है. दोनों ही कैरेक्टर की जो भी इमेजेस आपको पसंद आए उससे आप डाउनलोड कर लेना. अब हमारे पास इमेजेस आ चुकी है, अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है वीडियोस में. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट में जो है हेड्रा AI. इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप चाहो तो इसे डिस्कॉर्ड में भी यूज कर सकते हो बट वी विल यूज इट डायरेक्टली ऑन दिस साइट. तो इस पर अपने गूगल अकाउंट से सबसे पहले साइन अप कर लेना अगर अकाउंट नहीं हुआ तो. साइन इन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्रिएट एंड स्टाइलाइज. बट हमें अभी ये क्रिएट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है. अब इसके बाद आपको यहाँ पर 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, फॉर ऑडियो, कैरेक्टर एंड वीडियो. तो सबसे पहले अगर बात करें कैरेक्टर वाले ऑप्शन की तो इसमें आपको खुद से इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ आप इससे भी इमेजेस क्रिएट करवा सकते हो. नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपको यहाँ पर डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट डाल देना है अपने कैरेक्टर का और ये इमेज भी यहाँ से बना के दे देगा. नाउ सिमिलरली ऑडियो वाले सेक्शन में भी आपके पास दो ऑप्शंस है. चाहो तो आप बाहर से यहाँ पर ऑडियो को ला सकते हो और इम्पोर्ट कर सकते हो या फिर इसी से आप ऑडियो जनरेट करवा सकते हो. यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वॉइस के ऑप्शन मिल जाते हैं तो सुनकर देख लेना अगर इसी से ऑडियो बनवानी हो तो. बट हमारे पास तो अपनी खुद की ऑडियो भी है और इमेजेस भी, तो हम वो ही यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले इम्पोर्ट ऑडियो पर क्लिक करके जो फीमेल वाली फर्स्ट ऑडियो क्लिप है उसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे एज यू कैन सी. इसके बाद कैरेक्टर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ये एस्पेक्ट रेशियो चूज करना है. तो अभी इस वीडियो के लिए हम 1:1 चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले फीमेल कैरेक्टर वाली इमेज को अपलोड कर देंगे
जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगेन ये एस्पेक्ट रेशियो अगर अपने आप चेंज हो जाता है तो इसे वापस से 1:1 कर देना और ये फोटो जूम परसेंटेज भी आपको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेना है जिससे कि वो इमेज प्रॉपरली सेट हो जाए और दोनों ही कैरेक्टर की सेटिंग यहाँ पर आपको सेम ही रखनी है तो ये ध्यान रख। बस इसके बाद क्लिक ऑन जनरेट और अब विद इन 1 मिनट ये वीडियो हमारे लिए जनरेट करके दे देगा। तो ये देखिए ये वीडियो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इस ऑडियो फाइल को डिलीट कर देना है और फिर यहाँ पर अपलोड कर देना है फीमेल वाली सेकेंड ऑडियो क्लिप और बस बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर एंड ऑल सब कुछ सेम ही रहने वाला है। सो कीप जनरेटिंग द वीडियो एंड डाउनलोड करते जाओ। सारी फीमेल क्लिप्स के लिए पहले वीडियोस जनरेट कर लो और डाउनलोड कर लो और जब फीमेल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आपको मेल वाला कैरेक्टर अपलोड करना है। इसके बाद अगेन एस्पेक्ट रेशियो, कैमरा जूम की सेटिंग ये सब कुछ सेम रख लेना। इसके बाद ऑडियो वाले ऑप्शन में आपको मेल वाली ऑडियो की फर्स्ट क्लिप को अपलोड करना है और फिर से वीडियोस जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है और कंटिन्यूसली इसके बाद अलग अलग मेल वाली ऑडियो क्लिप्स को अपलोड करके वीडियोस जनरेट करते जाओ और डाउनलोड करते जाओ। इस तरह आपको पूरी वीडियो के लिए सारी क्लिप्स यहाँ से जनरेट कर लेनी है। अब देखो ये जो सारी वीडियोस आप यहाँ से डाउनलोड करोगे उन फाइल्स को प्रॉपर नेम देते जाना सीक्वेंस में, नहीं तो आगे सब कुछ मिक्स हो जाएगा और फिर वीडियो गड़बड़ हो सकती है, सो ये चीज का ध्यान रख। चलो तो वीडियो जनरेशन का काम भी खत्म, अब आता है हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जिसके बिना वीडियो बनी नहीं सकती, वो है स्टेप 4 एडिटिंग। एडिटिंग के लिए कैपकट में आ जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सारी वीडियोस को जो अभी हमने जनरेट की थी वो लेकर आ जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों। अब सबसे पहले फीमेल वाली फर्स्ट वीडियो को नीचे टाइमलाइन में ले आएंगे, इसके बाद वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 चूज कर लेंगे और अब इस वीडियो को लेफ्ट साइड में स्लाइड करके अराउंड 150% तक जूम कर देंगे और ऐसे इसकी पोजीशन सेट करेंगे जिससे कि यह हाफ स्क्रीन में प्रॉपरली सेट हो जाए एज यू कैन सी। अब इसके बाद फीमेल की सेकेंड वाली वीडियो क्लिप ले आएंगे और इसे फर्स्ट क्लिप के जस्ट आगे ही रखेंगे कंटिन्यूएशन में और इसे भी जूम करके इसकी पोजीशन भी सेम तरीके से हाफ स्क्रीन में सेट कर देंगे। बस इसके बाद 3rd, 4th, 5th या जितने भी वीडियो क्लिप्स हो फीमेल वाली सबको एक एक करके ऐड करते जाओ सेम सीक्वेंस में और जूम और पोजीशन सेम तरीके से एडजस्ट कर लो और इस पार्ट को कंप्लीट कर लो। चलो अब इसके बाद हम ऐड करेंगे मेल वाली क्लिप्स, तो सबसे पहले फर्स्ट क्लिप मेल वाली ऐड करेंगे और ये हमें एग्जैक्ट उस जगह पर ऐड करनी है जहां से फीमेल क्लिप में पॉज स्टार्ट हो रहा है। एज यू कैन सी यहां पर ये पॉज है, तो फर्स्ट मेल क्लिप को हम यहीं पर ऐड करेंगे, इसे हम दूसरी लेयर में रख देंगे जिससे समझने में आसानी हो। इसके बाद ये मेल वाले पार्ट को भी आपको बाकी की हाफ स्क्रीन में सेट कर देना है पोजीशन इसकी, चाहो तो इसमें भी थोड़ा जूम इन ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। बस इसके बाद मेल वाला सेकेंड वीडियो क्लिप भी ऐड कर दो इसके जस्ट आगे जहां पर ये फर्स्ट क्लिप खत्म हो रही है और उसके जस्ट आगे 3rd, 4th, 5th कंटिन्यूएशन में ऐड करते जाओ और बाकी की हाफ स्क्रीन में इसे सेट करते जाओ और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा एज यू कैन सी। तो पूरी वीडियो में मैंने मेल और फीमेल वाले पार्ट को एडजस्ट कर दिया है प्रॉपरली हाफ हाफ स्क्रीन पर। अब देखो एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो खाली है, जब वीडियो शुरू हो रही है तो उस पार्ट में मेल वाला हिस्सा मिसिंग है क्योंकि वहां पर उसका पार्ट स्क्रिप्ट में था ही नहीं, तो हमें इसको अब भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना ये है कि मेल वाले पार्ट में जहां पर भी इसका पॉज वाला पार्ट है लंबा, उसको आपको सेपरेटली स्प्लिट कर देना है और फिर उस पॉज वाले पार्ट को कॉपी करना है और फिर उस खाली हिस्से में पेस्ट कर देना है शुरुआत में, जितना भी खाली हिस्सा है उसमें ये पॉज वाली मेल क्लिप को ऐड कर देना, चाहे तो 2-3 बार पेस्ट करना पड़े एज यू कैन सी, बट पूरा हिस्सा आपको इस तरह से भर देना है। अब लग रही है ना एकदम कमाल वीडियो जब सब कुछ इसमें भर चुका है। चलो तो अब सारे पार्ट्स ऐड हो गए, पोजीशनिंग भी सेट हो गई। अब इसके बाद आपको सारी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है एक साथ, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सेलेक्ट एवरीथिंग और इसके बाद आपको इसे कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर लेना है एज यू कैन सी। अब आप इसके बाद इस वीडियो में चाहे तो इफेक्ट्स, फिल्टर्स, ये सब कुछ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मुझे ये एज इट इज ही अच्छी लग रही है। बस इसमें मैं एक काम करूंगा कि एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पर ये विग्नेट वाला इफेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 20, दैट्स ऑल। नाउ दिस वीडियो इज कम्प्लीटली रेडी। अब छोटी छोटी और चीजें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि इसमें फ्रेम ऐड कर सकते हो, बॉर्डर ऐड कर सकते हो, कैप्शन लगा सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी है, जितना एडिशन करना चाहो कर लेना। अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि क्या जबरदस्त काम हुआ ये, लेकिन इससे भी बड़ी भौकाली देखनी है अगर तो वो होगा इसका पार्ट 3 जिसमें आपको ये सेम चीज हिंदी में मिलेगी, छोटा सा ट्रेलर देख लो। नमस्कार और स्वागत है हमारे शो में, मैं हूँ आपकी होस्ट कियारा
और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अरोड़ा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या एलियंस वाकई में होते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो अगर ये वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 3। मिनिमम 500 कमेंट्स आने चाहिए और मैं जल्दी पार्ट 3 भी ले आऊंगा। फिलहाल के लिए एंजॉय करो इस अमेजिंग पॉडकास्ट। Hey there. So we're diving into renewable energy today. And it's a big one, right? Can it really replace like all fossil fuels? We're looking at this report from Met Group and an article from Finshots, you know, to see if it's really possible. Yeah, those are good sources. I mean, Met Group, they're all about renewables. So naturally, they're optimistic. Their report basically says, yeah, ditch those fossil fuels. We can run the world on renewables by 2050. Hmm. But then you've got Finshots and they're, you know, they're a bit more cautious, right? Like they're saying, hold on, how reliable are these renewables really? And they make a good point about oil. We still need it for a lot of industries. Right from the start, two different views. So as you were going through all of this, what like really stood out to you? Anything that surprised you? I think what gets me is how both of these sources really highlight the size of this whole energy thing, this whole landscape. It's so easy to just think, oh, swap gas pumps for charging stations, we're good. But it's so much bigger. It's like how we get around, how things are made. It touches everything. It's not just about, you know, the energy itself. It's about changing how we use it fundamentally. Totally. It's like deciding to switch from, I don't know, a gas stove to an electric one. And then you're like, wait, my whole building uses gas. It's way more complicated than you think at first.